दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग सभी काफी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आज उस बाइक का रिव्यू करने जा रहा हूँ जिसका इंतजार पूरे देश के वासी काफी बेसब्री से कर रहे हैं, जिसका नाम है CBR 250 RR। वैसे होंडा की ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में पहले ही लॉन्च हो चुकी है, पर लॉकडाउन के कारण फिलहाल इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, पर अब शायद ये इंतजार खत्म होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोगों को इस बाइक के पूरे स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और लॉन्च डेट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो डिज़ाइन की बात की जाए तो ये अब तक का होंडा का सबसे यूनिक डिज़ाइन है, क्योंकि आगे में जैसे आप लोग देख सकते हैं डुअल हेडलाइट्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लुकिंग है, जिसमें कि हेडलाइट्स और टेल लाइट्स दोनों ही LEDs दिए गए हैं। इंजन की बात की जाए तो इस बाइक में आपको 249.7 cc का 4-stroke 8-valve पैरेलल ट्विन सिलेंडर प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन लिक्विड कूल्ड विद ऑटो इलेक्ट्रिक फैन BS6 इंजन मिल जाता है, जो कि इस बाइक को 0 to 100 km/h की स्पीड पर सिर्फ 6 सेकंड्स में ले जाती है। और अकॉर्डिंग टू द कंपनी इस बाइक की टॉप स्पीड 180 km/h है। फ्रंट टायर साइज की बात की जाए तो इसके फ्रंट में आपको 110x70 inch का अलॉय व्हील मिल जाता है, जिसमें 310 mm का हाइड्रोलिक डिस्क डुअल पिस्टन कैलिवर दिया हुआ है। और रियर टायर 140x70 का है, जिसमें 240 mm का हाइड्रोलिक डिस्क सिंगल पिस्टन कैलिपर दिया गया है। और ये बाइक डुअल चैनल ABS के साथ भी आती है। सस्पेंशन की बात की जाए तो फ्रंट में इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन UHD फॉक्स दिए गए हैं, और रियर में एल्युमिनियम स्विंग आर्म 5 एडजस्टेबल मोनो सस्पेंशन विथ प्रो लिंक सिस्टम दिए गया है। सारे स्पोर्ट्स बाइक की तरह इसका भी इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल्ली डिजिटल दिया गया है, जिसमें स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, क्लॉक और सारे जो इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं वो सारे कुछ इसमें शो हो जाते हैं काफी इजीली। फ्यूल टैंक की बात की जाए तो इस बाइक में 14 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। और इस बाइक की माइलेज की बात की जाए तो एज पर रिपोर्टेड बाय होंडा सर्टिफाइड माइलेज, इस बाइक की जो माइलेज है वो है 40.1 km/h। इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस है 145 mm का। साथ ही इसमें 3 राइड मोड्स दिए गए हैं, जिसमें कि कंफर्ट, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स प्लस आते हैं। इस बाइक के कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो इंडिया में 4 कलर वेरिएंट में अवेलेबल होंगे, जिनमें की है ग्रैंड प्रिक्स रेड स्ट्रिप्ड, मैट गन पावर ब्लैक, पर्ल ग्लेयर व्हाइट एंड ग्रैंड प्रिक्स रेड। और कंपनी के अकॉर्डिंग इस बाइक के जो कॉम्पिटिटर्स है वो है यामा YZF R3, कावासाकी निंजा ZX 250 R, सुजुकी ZSX 250 R और बेनेली 320 R जैसे बाइक्स। वैसे पर्सनली मुझे लगता है कि इस बाइक का कंपटीशन यामा YZF BS6 मॉडल R3 का जो है उससे भी काफी हद तक हो सकता है, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस के आधार पर दोनों ही बाइक काफी सिमिलर है, बस थोड़ा सा लुक में अंतर है। और अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा बनाए गए यामा YZF B6 मॉडल का रिव्यू नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप लोग उसे देख सकते हैं। अब चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या है इस बाइक का प्राइस और क्या है इस बाइक का लॉन्च डेट। तो इस बाइक का एक्स शोरूम प्राइस है 3.75 lakhs, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस है इस तरह के प्रीमियम बाइक के लिए। लॉन्च डेट की बात की जाए तो इस बाइक के बारे में फिलहाल कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है कि कब तक ये बाइक लॉन्च हो सकती है, पर सोर्सेज की माने तो ये बाइक 2021 के अप्रैल मंथ के पहले लॉन्च हो सकती है इंडिया में। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग बताइए कमेंट में कि क्या आप लोग इस बाइक का इंतजार करेंगे या फिर इसके जगह कोई दूसरी बाइक आप लेना पसंद करेंगे, और अगर आप लोग कोई दूसरी बाइक चूज करते हैं तो वो कौन सी होगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया है और अगर आप लोगों को मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ इस बाइक के बारे में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं हूँ रवि उरांव, आपका होस्ट। तो मिलते हैं हमारे आने वाले अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। जय हिंद, जय भारत।